कोरोना के कारण अब देश की संसद सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन में खास बात यह रही कि वित्त विधेयक को दोनों सदनों में बहस हुए बिना पास कर दिया गया। इसी के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना के सांसदों ने संसद सत्र में शामिल ना होने की घोषणा की थी। संसद के बजट सत्र का 3 अप्रैल को समापन होना था, लेकिन कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए ऐसा किया गया है। बजट पेश करने के बाद फाइनेंशियल बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। इस विधेयक में बजट में प्रस्तावित करों को लागू करने, हटाने, घटाने, बढ़ाने या नियमों में दूसरे बदलाव की विस्तार से जानकारी होती है, लेकिन कोरोना के कारण बिना चर्चा के ही इस बार फाइनेंस बिल को पास करवा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। कोरोना के कहर का संसद के सत्र पर भी असर। 11 दिन पहले बजट सत्र का हुआ सत्रावसान। लोकसभा में संसद में बजट सत्र 31 जनवरी 2020 से शुरू हुआ। 23 बैठकें हुई, जिसमें 109 घंटे 23 मिनट बहस चली। 13 विधेयक पास हुए, लेकिन कोरोना की वजह से 11 दिन पहले बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया गया, जिसमें 9 बैठकें यानी कार्य दिवस बाकी थे, जिसमें विधायी कार्य होने थे। लेकिन पूरे देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते खौफ, बढ़ते प्रसार, उससे तुरंत रोकने के लिए इस मकसद से जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्य दिवस और कार्य को बिल्कुल सीमित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई करेगा, जिसमें सिर्फ 1-2 बेंच बैठेगी और वो सारे दिन सिर्फ अर्जेंट मैटर की सुनवाई करेगी। इसके अलावा कोई भी वकील अदालत कक्ष में पेश नहीं होगा, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्हें अपनी दलील और बहस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ये भी इंतजाम कर रहा है कि वकील अपने घर या दफ्तर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्काइप के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेशी दर्ज कराएं, अपनी दलीलें और बहस करें। पूरा देश लॉकडाउन में है, यानी सभी जिलों में लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, घरों में हैं, और वो लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ पूरा देश स्थगित है, रेलगाड़ियों ने अपने पहिए थाम दिए हैं, बसें और सड़क परिवहन भी थमा हुआ है, उड़ानों पर भी पाबंदी लगी हुई है, यानी बहुत सीमित संख्या में चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में संसद ही रह गया था और संसद ने भी तय किया कि वो 11 दिन पहले सत्रावसान कर देगा। अब सबको इंतज़ार है पावर सत्र का, जिसमें ये भी तय हुआ कि बाकी विधायी कार्य जो बच गए हैं उन्हें पावर सत्र में निपटाया जाएगा। इस बीच अगर ज़रूरी हुई तो सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ संजय शर्मा।